गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, हम आज कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ चुके हो, एप्लीकेशन भी पढ़ चुके हो, बट कुछ बच्चों का फोन आया था, उनको कुछ डाउट्स हैं। तो हम लोग, मैं जस्ट हल्का सा इसमें रिपीट कर रही हूँ, इसमें क्या क्या किया था, ठीक है। मेन चीजें बता रही हूँ इसमें क्या है बेटा। हमने इसमें पढ़ा था, देखो, एप्लीकेशंस लैपलेस थ्योरम के, ठीक है। जैसे इसमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रही हूं, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, लैपलेस आपको निकालना है डीएक्स बाय डीटी, एक्स का मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्टिवली टी। तो इसके ये कुछ फॉर्मूलाज किए हुए हैं, हमने किए थे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू लैपलेस ऑफ एक्स टी। एक्स किसका फंक्शन है, यहां पे टी का फंक्शन है ना। तो एक्स टी लैपलेस किसका आ गया, एक्स टी का माइनस एक्स जीरो। बेटा ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसको आप लोग क्या कह देते हो, एक्स बार। मींस लैपलेस ऑफ एक्स अगर निकालना है तो लैपलेस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स बार के इक्वल। इज इट क्लियर। जैसे लैपलेस हमने किया नहीं था पिछले प्रीवियस क्लास में, लैपलेस ऑफ जैसे वन का किया था, ठीक है। सिमिलरली हमने हर एक चीज का किया था, तो ये सारी चीजें एज इट इज वही कर रहे हैं। लैपलेस ऑफ वन का वैसे क्या होता है, वन बाय एस, ठीक है। सिमिलरली लैपलेस ऑफ एक्स का होता है एक्स बार। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, नथिंग। सपोज कर लो लैपलेस निकालना है डबल डेरिवेटिव का, तो क्या आ जाएगा बेटा, एस स्क्वेयर एस एक्स बार, ठीक है। मींस लैपलेस ऑफ एक्स टी आएगा ना यहाँ पे, तो उसका आ गया एक्स बार माइनस, ये जो एक्स है ये इसकी पावर डिक्रीज होती जाएगी, एक्स स्क्वेयर था तो यहाँ पे एस की पावर क्या आ गई, वन, और यहाँ पे एक्स जीरो जैसे ये था एज इट इज, माइनस एस की पावर जीरो, वो तो वन ही बन गई, और ये जो एक्स है इसका डेरिवेटिव इंक्रीज होता जाएगा, माइनस एक्स डैश जीरो। सिमिलरली थर्ड है, एस क्यूब हो जाएगा एक्स बार माइनस एस स्क्वेयर, है ना, डिक्रीज हो गया तो एक्स जीरो आ जाएगा, माइनस एस ओ डिक्रीज हो गया तो एक्स डैश जीरो आ जाएगा, माइनस एस दी पावर जीरो, वो तो वन ही हो जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगी, डबल आ जाएगा। सिमिलरली फोर में भी कर लोगे बेटा, फोर होता तो क्या होता, एस की पावर फोर एक्स बार माइनस फोर था तो एक्स क्यूब हो जाता, हो जाएगा बेटा। अच्छा, जैसे अब वाई का भी कर रहे थे, डी वाई बाय डी टी, सेम जैसे एक्स का किया था, एस यहां पे क्या था एक्स बार, यहां पे आ जाएगा वाई बार, माइनस एक्स जीरो था यहां पे y जीरो आ जाएगा। सिमिलरली डबल में s स्क्वेयर s बार था, यहां पे s स्क्वेयर y बार आ जाएगा, माइनस सेम मतलब जहां पे x की जगह पे क्या कर दोगे आप, इंटरचेंज कर दोगे y के साथ, नथिंग एल्स। कर लिए थे ये वाले फॉर्मूलाज आपने, आई थिंक। हां जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं, अगर आपके पास, इसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, अगर आपके पास लैपलेस ऑफ एफ डैश टी होता, मतलब इसको एफ डैश टी को आप क्या बोल सकते हो, डी एफ बाय डी टी, जैसे वाई का था डी वाई बाय डी टी, सिमिलरली डी एफ बाय डी टी आ गया यहां पे। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस इंटू लैपलेस ऑफ एफ टी, जैसे बेटा यहां पे क्या था लैपलेस ऑफ वाई टी, सिमिलरली y की जगह पे यहां पे अब आ जाएगा एफ टी माइनस एफ जीरो, यहां पे y की जगह पे क्या आ गया f आ गया, नथिंग, ठीक है, फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली डबल देखो s स्क्वेयर। अच्छा, ये कैसे आया, मैं आपको ये रिपीट करती हूँ, रुको। ये बेटा आपके पास यहां तक का तो फॉर्मूला आ गया था, जैसे हमने पीछे किया था, है ना, y की जगह पे आपने f लिख दिया ना, और y की जगह पे f लिख दिया, मींस यहां तक का तो फॉर्मूला हो गया। लैपलेस ऑफ एफ टी को आपको पता है fs कहते हैं, ये वाला,
तो हमने एफ एस पुट कर दिया माइनस एफ जीरो, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली डबल होता तो एस स्क्वेयर एफ एस माइनस एक पावर कम हो गई एस की इंटू एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव होता तो एस क्यूब बेटा हो जाएगा। ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं। ओके नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी आपके बच्चा, इस क्वेश्चन में हम बात करें। देखो सबसे पहला हम क्या करेंगे, लैपलेस ले लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहां पे इसका लैपलेस लोगे डबल डेरिवेटिव का, डबल डेरिवेटिव का लैपलेस हमने क्या फॉर्मूला किया हुआ है, ये रहा एस स्क्वेयर एक्स बार की जगह पे ये रहा फॉर्मूला, वाई में है ना ये, एस स्क्वेयर वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। सिमिलरली लैपलेस ऑफ डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, फॉर्मूला क्या था, एस वाई बार माइनस वाई जीरो इज इक्वल्स टू टू, मीन्स टू का लैपलेस क्या आएगा, टू इंटू लैपलेस ऑफ वन वी कैन से। ओके इसमें बच्चा करो एस स्क्वेयर वाई बार माइनस एस वाई जीरो बाउंड्री इक्वेशंस कितनी है, थ्री, तो थ्री एस लिख दें माइनस वाई डैश इसकी वैल्यू है वन पुट कर दिया। ओके वाई बार माइनस वाई जीरो के कितने हैं, थ्री इज इक्वल्स टू लैपलेस ऑफ वन कितना होता है, वन बाय एस। बेटा इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाई बार वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे एस स्क्वेयर प्लस एस, बाकी सारी टर्म्स को हम राइट हैंड पे ले जाएंगे, थ्री एक्स प्लस वन और ये भी इधर आके फोर, फोर ही हो जाएगा ना ये, ठीक है ये हो जाएगा बेटा। इसको सॉल्व एलसीएम वगैरह ले लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा थ्री एस स्क्वेयर प्लस फोर एस प्लस जीरो बाय एस बाय एस स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है अच्छा, इस पे पार्शियल डिफरेंशियल लिखा दोगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन याद है ना, ए बाय एस फिर बी एस, ए बाय एस बी एस बाय सी एस स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है ये पार्शियल वाला आपको पता ही है, पार्शियल लगा दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा टू बाय एस स्क्वेयर वन बाय एस प्लस वन। बच्चा अपने निकालना क्या है, वाई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका क्या करते हैं लैपलेस इनवर्स ले लेते हैं, टेकिंग लैपलेस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो लैपलेस ऑफ वाई इनवर्स, लैपलेस इनवर्स ऑफ वाई बार क्या आ जाएगा, वाई इटसेल्फ कि नहीं वाई, क्योंकि देखो ना लैपलेस ऑफ वाई किसके इक्वल था, वाई बार के, तो लैपलेस इनवर्स वाई बार किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के। तो वाई चाहे तो अकेला लिख लो, चाहे वो टी का फंक्शन है तो वाई टी लिख लिया, लैपलेस इनवर्स टू बाय एस, लैपलेस इनवर्स टू बाय एस स्क्वेयर, लैपलेस इनवर्स वन बाय एस प्लस वन। बच्चा सॉल्व कर लोगे, सभी के इनवर्स निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ये आ जाएगा टू, ओनली टू इंटू वन आ जाएगा,
नेक्स्ट 2 इंटू टी आ जाएगा, ये वाला किसका फॉर्मूला होता है, ई रेस्ट पा माइनस टी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं एक बार क्वेश्चन में क्या किया था बेटे। इस टाइप के आपको कुछ क्वेश्चन दिया होता है, टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, वो जस्ट एक पुट कर देने हैं। वाई बार वाली टर्म्स एक साइड पे ले आना, बाकी की सारी टर्म्स राइट हैंड पे चली जाएंगी, तो वाई बार की वैल्यू आ जाएगी। उस पे आप लोग क्या करोगे, पार्शियल लगा दोगे। पार्शियल लगाने के बाद आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, देन उसका लैपलेस इनवर्स कर दीजिए, देन उसका सेम आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इज इट क्लियर? आई थिंक हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख के चलते हैं। डबल डेरिवेटिव प्लस वाई ई रेस्ट पा माइनस टू टी साइन टी, ठीक है, बाउंड्री इक्वेशन दी हुई है आपको, वाई जीरो जीरो है और वाई डैश जीरो भी जीरो है। बेटा टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ले ले हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वेयर हमने अभी किया था, ये रहा क्या जाएगा, लिख दोगे टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा लैपलेस, कितना आ जाएगा, एस स्क्वेयर वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। ये तो फर्स्ट वन का आ गया, y का लैपलेस क्या होगा, y बार इटसेल्फ। सिमिलरली इसका लैपलेस क्या होता है, लैपलेस ऑफ साइन t का, लैपलेस ऑफ साइन t का क्या होता है बेटा, वन बाय, फॉर्मूला याद है आपको, लास्ट हमने किया था साइन ऑफ ए टी, ए बाय हाँ जी एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यही फॉर्मूला किया था। तो साइन टी का क्या आ जाएगा, वन बाय एस स्क्वेयर प्लस वन। ओके, अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर दें ई को तो जहां जहां पे भी s है उसकी जगह पे आप क्या कर दोगे, s प्लस टू, ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दूं मैं यहां पे, s प्लस टू का स्क्वेयर प्लस वन। बेटा इसको सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को, y बार बाउंड्री इक्वेशंस पुट कर दें, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो मींस s स्क्वेयर y बार प्लस y बार, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा, एस स्क्वेयर टू एस फोर और ये फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास वाई बार कॉमन आ जाएगा, तो एस स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल्स टू फाइव, तो y बार आ जाएगा बेटा, सॉरी y बार कितना आ जाएगा, वन बाय एस स्क्वेयर प्लस वन इंटू एस स्क्वेयर टू एस प्लस फाइव। बेटा पार्शियल ही लगा लोगे, पार्शियल लगा के आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल लगा के ये बन जाएगा आपके पास y बार
minus s plus 1 by 8 s plus 3 s squared plus 4s plus 5. ठीक है, ये आप कंप्लीट करके देख लो, वन मिनट. ये आपके पास पिच ऑफ 4s आएगा. सो सॉरी, यहां से 4s आएगा. ठीक है, तो ये बच्चा हो गया आपका. इसके बाद तो आप कर दोगे लैपलेस इनवर्स, ले लोगे ऑन बोथ साइड्स, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ भी नहीं था ऐसा. हमने सिंपल सा कुछ भी इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको सॉल्व करना है. हमने क्या किया, सबसे पहले लैपलेस ले लेते हैं. ठीक है, टेकिंग लैपलेस ऑन बोथ साइड्स. तो जस्ट हम उसके बाद लैपलेस का फॉर्मूला लिख लिया, बाउंड्री इक्वेशंस जो भी दी हुई हैं वो अप्लाई कर दी, उसकी वैल्यूज पुट कर दी. वाई वार वाली टर्म्स एक साइड पे और बाकी सारी टर्म्स एक साइड पे वाई बार आ जाएगा. फिर उस पे हमने सॉल्व कर लेंगे वाई बार को इस टाइप से, सच दैट उस पे इनवर्स लगाना इजी हो जाए, नथिंग. ठीक है, वाई इनवर्स लगा दोगे, लैपलेस इनवर्स लगा दोगे यहां पे, तो आपके पास सिंपल एक वाई की इक्वेशन में एक क्वेश्चन आपके पास फंक्शन आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी. इज इट क्लियर बेटा? इस टाइप के अब सारे क्वेश्चन आप करके देख लेना, कोई भी डाउट हुआ फिर से आप यू कैन आस्क मी. ओके बच्चों, बाय बाय.